हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेस पे ग्रेड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है व्यू पर और आ जाना है डिज़ाइन व्यू पर, और यहाँ टेबल वन आ रहा है, इसे हम कोई नाम दे देते हैं, UMBRELLA। वैसे अम्ब्रेला छाता होता है, लेकिन छाता वाली कोई बात नहीं है, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की एक यूनिक की होती है। यहाँ आई डी दिया हुआ है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको बना देते हैं रोल नंबर। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं रोल नंबर। ठीक है, इंटरप्रेस करता हूँ, इसको ऑटो नंबर ही रहने देते हैं, एक डेटा टाइप होता है, अपने आप नंबर ये देता जाएगा रोल नंबर। यहाँ पे नेम करता हूँ, ठीक है, नेम जो है टेक्स्ट डेटा टाइप होता है। और इसके बाद यहाँ पे हिंदी, ठीक है, ये पहला सब्जेक्ट, और इसको भी नंबर रखिए डेटा टाइप में, क्योंकि हिंदी में जो नंबर पाएगा वो नंबर ही होगा। और फिर इंग्लिश, और बायोलॉजी, BIOLOGY, ये दे दिया हमने, इसको भी नंबर ही रखना है हमें। और यहाँ पे मैं केमिस्ट्री कर देता हूँ, केमिस्ट्री, ठीक है, इसको भी नंबर रख देता हूँ। और फिजिक्स लास्ट में PHYSICS, ठीक है, इसको भी नंबर ही रखना है। और यहाँ पे कर देंगे हम ऑप्टेंड मार्क्स, ऑप्टेंड केवल कर देता हूँ मैं, ऑप्टेंड, ऑप्टेंड मैंने होता है प्राप्त किया, कितना नंबर प्राप्त किया सारा जोड़ करके यहाँ पे आएगा। इसके बाद अगला जो पड़ाव है वो एवरेज का है, तो एवरेज यहाँ निकाल देंगे हम। ठीक है, एवरेज निकालने के बाद लास्ट में हम निकालेंगे ग्रेड, ठीक है, तो GRADE, इतनी ही चीज़ें हमें निकालनी हैं। इतनी चीज़ें निकाल करके देखते हैं कि ये होता है या नहीं। चलिए व्यू पे चलते हैं, डेटा शीट व्यू पे जाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, और अब आते हैं हम सीधा सीधा क्रिएट पर, और आ जाते हैं क्वेरी डिज़ाइन पर। क्वेरी डिज़ाइन में हमें ऐड कराना है इसको, ठीक है, और एक एक यहाँ से ऐड कराते जाना है। रोल नंबर आ गया, दूसरा नेम आ गया, तीसरा हिंदी, चौथा इंग्लिश, पांचवा बायो, छठवा केमिस्ट्री, सातवा फिजिक्स, आठवां ऑप्टेंड, नौवां एवरेज, दसवां ग्रेड। ठीक है, इतनी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। अब हम ऑप्टेंड निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी के साथ। स्क्वायर ब्रैकेट आपको बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट आपको अल्फ़ाबेटिक बटन पी के ठीक बगल में मिलेगा। अब इसमें मैं डाल देता हूँ तमाम सब्जेक्ट्स के नाम, हिंदी, स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है, प्लस बाहर लिखना है इंग्लिश, ENGLISH, बायोलॉजी है इसके बाद BIOLOGY, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री है CHEMISTRY, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स होगा PHYSICS, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के बाद बस इतना ही हमें रखना है। ये पांच सब्जेक्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी, चौथा इंग्लिश, और पांचवा हिंदी। ठीक है, तो ये पांच सब्जेक्ट हो गए हमारे। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, अब आते हैं एवरेज में। ठीक है, एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज का फॉर्मूला हिंदी में होता है कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, यानी कुल पदों का योग जो आया है, तो कुल पदों का योग आया है ऑप्टेंड में, OBTAINED, ऑप्टेंड, ठीक है, ऑप्टेंड अपॉन, अब ये ऑप्टेंड जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ये भी आप ध्यान रखें, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए इसको, ऑप्टेंड अपॉन 5, पांच सब्जेक्ट हैं तो 5। यहाँ ग्रेड निकालना है तो IIF वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट पहले फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है ABERAGE, एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, कॉमा एस ग्रेड IIF ABERAGE, एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
85 कर चुके हैं हम ऑलरेडी, तो 75 करेंगे, कॉमा ए ग्रेड, कॉमा IIF अब स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी ई आर ए जी ई एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब 75 कर चुके हैं, अब 65 करिए, 65 तो कौन सा ग्रेड आएगा, बी ग्रेड आएगा, तो बी यहाँ लिख देता हूँ IIF एवरेज ए बी ई आर ए जी ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब कौन सा 65 कर चुके हैं हम, 55 करेंगे, कॉमा सी ग्रेड, लास्ट में IIF एवरेज ए बी ई आर ए जी ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब किसके 50 के, कॉमा डी ग्रेड, लास्ट में एफ ए आई एल ई डी, इसको बंद कर लीजिए और पांच ब्रैकेट आपको बंद करने हैं, 1 2 3 4 5 ठीक है। अब आपको रन करवाना है यहाँ से सिंपली, तो ये रन हो गया, अब यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना है, ये अपने आप रोल नंबर ले लेगा क्योंकि ऑटो नंबर हमने डाला था, यहाँ पे नाम डालते हैं एस यू आर ए जे सूरज डाल दिया हमने, यहाँ पे हिंदी का नंबर डालते हैं, जैसे हिंदी में 77 आया, इंग्लिश में आ गया 88, बायो में आ गया 77, केमिस्ट्री में आया 88, फिजिक्स में आ गया 77। तो ये देखिए यहाँ पर ए ग्रेड आ रहा है इनका, आप देख सकते हैं ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको और अच्छे से दिखाई पड़े, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से इसको खींच करके बड़ा कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे ए ग्रेड आ चुका है। अब देखिए जादू इसका, यहाँ पर आइए और दूसरे स्टूडेंट का नाम है मान लीजिए जावेद आलम शेख, जावेद आलम शेख, ठीक है, ये दूसरे स्टूडेंट का नाम है, इसको कॉलम थोड़ा बड़ा करता हूँ यहाँ से, ये नाम हाइड हो जा रहा है, यहाँ से कॉलम आप बड़ा कर सकते हैं खींच करके। अब देखिए इनका जो 55 है हिंदी में, इंग्लिश में है 57, और बायोलॉजी में है 55, केमिस्ट्री में है 66, और फिजिक्स में है 78, ठीक है। अब जैसे ही इस पर मैं जाता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये देखिए अपने आप सी ग्रेड आ गया, ठीक है, देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम ग्रेड की कैलकुलेशन कर सकते हैं, यही तो फायदा है, यही तो फायदा है एम एस एक्सेस पर काम करने का। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए ये हैं प्रियंका सिंह एस आई एन जी एच, ठीक है, अब इनका जो मार्क्स है वो है 77, 87, 67, 89 और 90, ठीक है। अब जैसे इंटर करता हूँ देखिएगा क्या होगा, ये देखिए ए ग्रेड आ गया इनका भी। अब यहाँ पे चौथा नाम देखिए, यहाँ पे आजाद कुमार, ये अगला नाम है हमारा, और इनको जो मार्क्स मिले हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, 43, 34, 56, 34, 43, 33, तो ये हो गया। अब ये देखिए ये फेल्ड हैं, 42% है तो फेल हैं, जो हमने क्राइटेरिया दी थी उसके मुताबिक ये फेल हो चुके हैं। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि ये किस प्रकार से हम इसको इसमें डेटाबेस की एंट्री कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से आप सेव कर लीजिए, यहाँ से सेव पे क्लिक कर दीजिए और क्वेरी वन दे रहा है, आप जिस भी नाम से सेव करना चाहें, मैं अपना नाम देता हूँ सूरज कुमार के नाम से, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ये सेव हो गया। तो इस प्रकार से आप सेव कर सकते हैं, मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। देखिए इसमें खासियत ये है कि एक को बोल्ड करिएगा तो सारा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैं इसको बोल्ड करता हूँ अगर तो सब बोल्ड हो जाएगा, ये देखिए ये खासियत है इसकी। तो इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं, आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो तो हमें कमेंट में बताएं, मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाऊंगा, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, और कमेंट भी करिए ताकि हमें पता लगे कि ये वीडियो कैसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।